प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष संजय जैन ने सभी लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की अपील करी और कहा कि सभी लोग आगामी दीपावली के त्योहार पर स्वदेशी वस्तु खरीदें और कहा कि सभी सामान दुकानदारों से ही खरीदें, ऑनलाइन वस्तु का पूर्ण रूप से बंद करने का काम करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिट्टी के दीपक इस दीपावली पर जलाने का कार्य करें। इस दौरान अभी तक चैनल से बात करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं जो आने वाला त्यौहार है महत्वपूर्ण त्यौहार है, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मेरा एक निवेदन भी है सभी लोगों से कि आप जो त्यौहार आ रहा है, त्यौहार भी है और वैसे भी आप हमेशा जो हमारे देश की बनी हुई चीज़ें हैं स्वदेशी, पटाखे भी आ रहे हैं बहुत से चाइना के आ रहे हैं और भी देशों के आ रहे हैं, और भी वस्तुएं गिफ्ट वगैरह लोग देते हैं, लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि स्वदेशी वस्तु अपनाएं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो उनका भी यही कहना है कि देश का बनाया हुआ अपनाइए और देश को हम बहुत आगे ले जाएंगे। तो मेरी उनसे सबसे अपील है और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप हम लोगों की व्यापारियों की तरफ देखते हुए कभी ऑनलाइन खरीद ना करें। ऑनलाइन खरीद से क्या होता है कि हम लोग सब खाली बैठे हैं, सब ऑनलाइन सामान आ रहा है, कभी हम लोगों को किसी की सहयोग की धनराशि की जरूरत पड़ती है, हम दुकानदार पर जाते हैं तो दुकानदार का जवाब होता है कि आप ऑनलाइन ले लीजिए, चंदा ऑनलाइन ले लीजिए, सहयोग ऑनलाइन ले लीजिए। तो मेरा सबसे निवेदन है कि हम और आप सब एक हैं, तो मेरा सबसे निवेदन है कि स्वदेशी अपनाएं, हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं और कभी भी ऑनलाइन चीज़ ना खरीदें, दुकान पर जाकर खरीदें, जो दुकानदार भी हमारा खुश रहेगा। और मैं एक अपील और करना चाहूँगा कि अब कैसे दीपावली पे दिए जलाएं वो मिट्टी के दिए लें, मिट्टी के दिए जैसे परंपरा है कि सरसों के तेल डालकर उसमें जलाए जाते हैं, जैसे कि में भी बहुत से लोग जलाते हैं, तो मिट्टी के दिए लें। इससे क्या होगा, जो हमारे नीचे काम करने वाले हैं, कुम्हार जाति जो है वो मिट्टी के दिए बना के काम अपने रोज़गार करती है, पेट पालती है, तो उन्हें ये बड़ी आस रहती है कि दीपावली आएगी कि हमारे दिए बिकेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि दीपावली पे दिए मिट्टी के जलाएं और सब लोग मिलजुल कर मनाएं और अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, अगर कोई आपका गरीब है तो उसके साथ मिलकर दीपावली मनाएं, उसका ध्यान रखें, मिठाई बांटें और सब खुश रहें। हमेशा स्वदेशी अपनाते हुए हम सब लोग अपने देश की खुशहाली की कामना करें और देश हमारा तरक्की से ऊँचा जाता रहेगा।